जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो से एक सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, मैं आज तुम्हें पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो, मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकाती है, और ना किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते होंगे, उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता, तुम्हें बस अब तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तुम्हें रिया के लेटेस्ट रील से फर्क पड़ता है, और ना तुम्हें रात भर जाकर अपने काम को करने के तकलीफ से कोई फर्क पड़ता है, ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है, और ना ही देर रात से। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से, जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखिए मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के ही लायक है? क्या पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया, और एक महान साइंटिस्ट की पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था, और जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर, और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया, और आज वो लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवान की दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के डाई हार्ड फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला एक साल, सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सौंप दो, खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो अब नया इतिहास रचने को तैयार है, एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है, एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला एक साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगले एक साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले एक साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले एक साल के लिए भुला दो, बस ये एक साल पागलपन के नाम कर दो। शायद इस एक साल के बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाएं। शायद इस एक साल के पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। शायद इस एक साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ये एक साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले एक साल बाद जब होश में आओगे, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएंगी।